काव्य शो अब कब शुरू होगा, इसको लेकर भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि भाई सुंबुल का जो शो था काव्या, उसको लेकर ये खबर रही थी कि वो 14 तारीख से यानी कि नेक्स्ट वीक के मंडे से टेलीकास्ट होना शुरू हो जाएगा सोनी टेलीविज़न पर। उसकी एक टाइमिंग भी बताई थी और टाइमिंग थी 7:30 बजे। लेकिन अब जब काव्या का कोई नया प्रोमो देखने को नहीं मिला, उसका कोई टाइमिंग नहीं, उसकी कोई डेट सामने नहीं है, तो भाई सबका सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई कब रिलीज़ होगा, कब शुरू होगा, कब इसका नया प्रोमो आएगा जिसमें बताया जाएगा कि भाई कब शुरू होने वाला है ये शो। तो भाई उसको लेकर मैंने आपको बताया था कि भाई अगस्त में तो इसके चांसेस हैं नहीं फिलहाल, क्योंकि 14 तारीख है, 14 तारीख के एक हफ्ते बाद हो सकता है कि भाई 22 या 23 तारीख को ये शो शुरू हो जाए, उसको लेकर कोई कंफर्मेशन आ जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई फिर ये शो कब शुरू होगा वो भाई टाइम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात है, वो बात ये है कि इस शो को टाइम स्लॉट कौन सा मिलेगा, कौन से टाइम पर ये शो टेलीकास्ट हो, क्योंकि सोनी का अगर हम लाइनअप देखें तो सारे के सारे शोज़ पहले से ही सेट हैं, सभी के सभी अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। टीम बंद हो रहा है तो उसकी जगह एक और जो शो चल रहा है टीना दत्ता का, 9 से 9:30 बजे के टाइम स्लॉट पे उसको स्विच कर दिया जाएगा, और 9 से 10 का जो टाइम स्लॉट होगा उस पे हमारे जो कौन बनेगा करोड़पति है वो शुरू हो जाएगा। तो फिर सुंबुल को कौन सा टाइम स्लॉट मिलेगा, तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी खबरें आ रही है कि सुंबुल तौकीर खान का ये जो शो होगा वो रात को 10 बजे यानी कि कौन बनेगा करोड़पति के ख़त्म होने के बाद टेलीकास्ट होगा। यानी कि भाई ऐसा हो सकता है कि जब तक ये शो टेलीकास्ट होना शुरू हो तब तक जो टीना दत्ता का शो है वो ऑफ ईयर हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई जैसा रिपोर्ट्स में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है कि 10 बजे इस शो को टेलीकास्ट किया जाए। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इस शो को कितने बजे टेलीकास्ट करना चाहिए, और इसी तरीके की अपडेट्स जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।